दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो 30 फीट इसकी चौड़ाई है और लंबाई की बात करें तो लगभग ये 40 फीट में है। तो 30 बाई 40 फीट में पूरा मकान डिज़ाइन मैंने किया है, बहुत बेहतरीन सा लुक होने वाला है आपका। और पोर्च की बात करें तो आपको बेहतरीन, घर का डिज़ाइन की बात करें तो बेहतरीन, और बेहतरीन तरीके से मैंने इसका फ्रंट एलिवेशन क्रिएट किया है। तो एक ऐसा घर है जो लो बजट है और साथ साथ एक लुक की बात करें तो आपको प्रॉपर तरीके से लुक मिलता है। आप ग्रामीण क्षेत्र में बनवाएं या शहर में बनवाएं, ये घर दोनों जगह बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। 30 बाई 40 फीट में बने स्टूडियो में लगातार मैं हूं पहुंचाकर और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों मैं आप लोगों से लगातार गुजारिश करता हूं कि आप स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आता है, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों चैनल से आप जुड़ जाएंगे, वीडियो लाइक शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लगातार डालने के लिए, ऐसे मॉडल नए नए बना के डालने के लिए। तो प्लीज़ हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का जो प्लान है 30 बाई 40 फुट में से डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, इससे आप उसका रियलिस्टिक व्यू देख सकें। जो यहाँ पर मैंने पिलर यूज़ किए वो ट्रेडिशनल पिलर है, जो पुराने ज़माने में थोड़ा डिजाइनिंगदार पिलर यूज हुए थे वो पिलर है। ये आप पिलर मार्केट से ही ले सकते हैं या किसी भी पुट्टी वाले जो होते हैं उनसे बनवा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन बना देता है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा खपरेल का भी यूज किया है जो कि एक बेहतरीन सा लुक देता है आपका। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर। तो ये इसका दोस्तों ग्राउंड फ्लोर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिएगा प्रॉपर तरीके से। ये आपको लाइट वगैरह मैंने नहीं हटाई, यहाँ पर पिलर देखिएगा सर, स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे तो आपको पोर्च मिलता है और इसके बाद आपको बारंदा मिलता है। ये देखिए साइड से अगर आप देखें बारंदा आपको देखने को मिलता है। मेन डोर आपका ये है जहाँ से एंट्री करेंगे, साइड में दोनों तरफ विंडो है। अब जैसे आप एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाता है एक बेहतरीन सा हॉल टाइप का या गैलरी टाइप का बोल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो बेडरूम मिलते हैं, देखिए दोनों बेडरूम में यहाँ पर दिए हैं। फ्रंट में पहले वाले बेडरूम में फ्रंट से विंडो है और अंदर से दोनों में एंट्री है, और बाहर और जो कॉर्नर पर आपका बेडरूम है उस पर अंदर से मैंने विंडो दिया है। इसके बाद ये आपका किचन एरिया है, इस किचन में मैंने सामने से भी आगे से भी विंडो दिया है, साथ साथ इधर से अंदर से डोर है और अंदर भी एक विंडो है। इसके बाद यहाँ पर आपकी स्टेयर्स हैं जहाँ से आप ऊपर जाएंगे, स्टेयर्स के नीचे लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट किया। तो दो बेडरूम, बारंदा, पोर्च, किचन, लेट बाथ, स्टेयर्स और बेहतरीन सा यहाँ पर मॉडल देखने को मिलता है 30 बाई 40 फीट में ग्राउंड फ्लोर। मैं इसे जूम करके आपको और दिखाता हूँ, इसे आप इसका रियलिस्टिक व्यू देख सकें, इसकी डिज़ाइनिंग देख सकें, इसके प्रॉपर तरीके से सारी फिनिशिंग देख सकें और प्रॉपर तरीके से आप इस घर को बनवा सकें। तो ये 30 बाई 40 फीट का ग्राउंड फ्लोर हो गया, सामने से आपका रोड है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, ये देखिएगा फर्स्ट फ्लोर, मतलब चारों तरफ लगभग 4 फीट का बाउंड्री। और अब फर्स्ट फ्लोर पर डिजाइनिंग ज़्यादा स्टार्ट होती है, जैसे पिलर आपके 8 फीट के बने हैं। इसका ये डिजाइनिंग बीम टाइप का आप देख रहे हैं, ये पड़ा है, इसका ये इसमें खपरेल जो रखा हुआ है वो डला हुआ है। तो बेहतरीन सा एक मॉडल आपका 30 बाई 40 फीट में बनकर रेडी हो जाता है 2 बेडरूम के साथ। हालाँकि इसमें आपके बेडरूम कम बन पाए हैं, लेकिन जो आगे का एरिया है लगभग ये देखिएगा आप लगभग 20 फीट तो आपका आगे ही छूट जाता है। तो लगभग 30 बाई 20 फीट में ही मकान, 30 बाई 25 फीट में अप्रॉक्स बना है, 15-20 फीट आपका बारंदा और पोर्च ही छूट जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 बेडरूम बन पाए हैं। तो यही पूरा मॉडल था जो मैंने आप लोगों से हमें डिस्कस किया। मॉडल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों बहुत से लोग बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं, तो मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग बेल आइकन दबा दें जिससे हमारे वीडियो आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।